नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2018 के लास्ट में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता हाथ लगी थी। तब कांग्रेस फूले नहीं समा रही थी, लेकिन जल्दी ही जीत का नशा उतरा और आपस में ही कांग्रेसी उलझ पड़े। शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सत्ता हाथ से चली गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए थे। कमलनाथ और दिग्विजय जो है अपनी चला रहे थे, सिंधिया ने उनके गुब्बारे की हवा निकाल दी। इसके बाद राजस्थान का नंबर आया, जहां कि सचिन पायलट को लगा कि उन्होंने सत्ता दिलाई और सत्ता जब लेने की बारी आई, भोगने की बारी आई, तो वो अशोक गहलोत को मिल गई। लिहाजा मध्य प्रदेश से शुरू हुआ झगड़ा वाया राजस्थान, फिर पंजाब होते हुए अब पहुँच गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या मामला है? टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कभी जय और बीरू की जोड़ी कहा जाता था इनको, दोनों में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। चुनाव हुआ, 90 में से 67 सीटें मिली। सबसे ज़्यादा बम्पर जीत कांग्रेस को 2018 में वही मिली थी और तब राहुल गांधी का खूब गुणगान हुआ था कि उनकी बदौलत ये सत्ता हासिल हुई है। बताते हैं कि अंदर खाने टीएस सिंहदेव और बघेल दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार थे। समझौता ये हुआ कि ढाई ढाई साल का फार्मूला रहेगा, लेकिन कभी इसका ऐलान किया नहीं गया। एक ही पार्टी में कभी ऐलान किया भी नहीं जाता है। जब गठबंधन की सरकार हो तो उसमें तो किया जाता है, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश का प्रयोग मायावती और कल्याण सिंह वाला या बीजेपी वाला याद होगा, ये बातें लेकिन अंदर खाने हुई थी। जैसे ही 17 जून को इसी साल ढाई साल पूरा हुआ, टीएस सिंहदेव खेमा जो है इसको लेकर के तरह तरह की बातें करने लगा। भूपेश बघेल और उनका खेमा इस बात को काटने लगा कि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। इसी बीच में भूपेश बघेल समर्थक बृहस्पत सिंह ने टीएस सिंहदेव पे जान से मरवाने का आरोप लगा दिया, मामला FIR तक करा दिया। भागे भागे वहाँ के प्रभारी PL पुनिया पहुँचे थे। किसी तरीके से वो मामला तो शांत हो गया क्योंकि TS सिंहदेव ने विधानसभा की कार्यवाही का ही बहिष्कार कर दिया था, समझा बुझा के बात खत्म हो गई। लेकिन अब कह रहे हैं कि मामला जो है अंदर खाने जो है बढ़ता जा रहा है, लिहाजा राहुल गांधी से दोनों मिलने के लिए आए, भूपेश बघेल TS सिंहदेव। दोनों की मुलाकात हुई, फिर PL पुनिया से हुई, बाहर निकले बोले कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। 2023 में जो चुनाव होना है उसको लेकर के और जो भी वायदे किए गए थे उसको लेकर के बातचीत हुई, लेकिन हकीकत में क्या ऐसा ही है? राजनीति में ऐसा होता नहीं है। दोनों को साथ बुला करके कुछ ना कुछ तो बात हुई। दरअसल है क्या कि भूपेश बघेल धीरे धीरे पिछड़ों के चेहरा बन गए हैं और छत्तीसगढ़ में जो है पिछड़े और आदिवासी का आप कह सकते हैं कि प्रभाव है। TS सिंहदेव एक तरह से सवर्णों का और ख़ास तौर से ठाकुरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों में से किसी को नाराज नहीं किया जा सकता। बात तो अंदर खाने ढाई ढाई साल वाले फार्मूले की हुई थी, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें पिछड़े नेतृत्व को नहीं हटाया जा सकता। लिहाजा TS सिंहदेव को समझा बुझा करके काम चलाया जा रहा है, लेकिन काम बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। मान लीजिए कि कांग्रेस हाईकमान ने यह हवाला दे भी दिया कि अभी रुक जाइए और 6 महीने रुक जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या नेतृत्व परिवर्तन की जो बयार बही है ये अंजाम तक पहुंचेगी? क्या TS सिंहदेव 6 महीने के लिए चुप लगा जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद फिर से ये झगड़ा बढ़ने वाला है? इस पर हमारी नज़र रहेगी। कुछ इसी तरफ जो है राजनीति कांग्रेस की जा रही है, और उधर जो है पंजाब में भी रार मची हुई है, जहाँ पे कि कैप्टन अमरिंदर को हटाने के लिए 23 विधायक और 3 मंत्री एक हो रहे हैं। राजस्थान में अभी खामोशी है, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले की है। सोचना है कांग्रेस हाईकमान को कि छत्तीसगढ़ में क्या करना है। थोड़े दिन के लिए झगड़ा टला है, बाकी माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ये तूल पकड़ेगा और कांग्रेस हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन यानी मुख्यमंत्री बदलने का फैसला ले सकता है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।